अच्छा बेटा, आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, वो है थर्मोकेमिस्ट्री का और चैप्टर नंबर है 7। सिंध की बुक में ये चैप्टर 5 है और इसकी हेडिंग है एनर्जेटिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। है तो दोनों की सेम मीनिंग, दोनों के अंदर सेम बातें हैं, ठीक है। और ये जो आपने इंटर की जो हीट वाला चैप्टर पढ़ा था, इंटर की सॉरी में इंटर की फिजिक्स के अंदर, उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। तो बेटा एनर्जेटिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, या हमने पढ़ना है इसके अंदर थर्मोकेमिस्ट्री। अब देखो, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है और रिलीज भी होती है। देखो, जितने भी केमिकल रिएक्शन है उनमें जब भी कोई रिएक्शन होता है तो पहले बांड टूट जाते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर जो बांड है वो ब्रेक हो जाते हैं, और बांड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। बेटा, बांड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, और उसके बाद जब न्यू बांड बनेंगे तो उनमें एनर्जी रिलीज होगी। और फिर हम देखते हैं कि बांड ब्रेक कितने हुए हैं या बांड को ब्रेक करने में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई हुई है, और फिर जो नए बांड बने हैं उनमें कितनी एनर्जी रिलीज हुई है। अगर एनर्जी रिलीज ज्यादा हुई है, बेटा जो एनर्जी रिलीज हुई है वो ज्यादा हुई है, और जो एब्जॉर्ब हुई है वो क्या है, कम हुई है, तो इसका मतलब है जो रिएक्शन होगा वो एक्सोथर्मिक हो जाएगा। और ओवरऑल जो एनर्जी चेंज होगी, बेटा ओवरऑल जो एनर्जी चेंज होगी वो नेगेटिव की होगी, हीट रिलीज होगी। और जब भी हीट रिलीज होती है तो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब भी देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट रिलीज होती है तो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाता है। पहले ये होता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ता है, और फिर सिस्टम क्या करता है, हीट को रिलीज करता है सराउंडिंग की तरफ, सिस्टम नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है, सिस्टम रूम टेम्परेचर पे आ जाता है, मगर सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में पहले सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ता है, बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में पहले सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर सिस्टम हीट को रिलीज करेगा सराउंडिंग की तरफ, और सिस्टम रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा मगर सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है तो सिस्टम का टेम्परेचर गिर जाता है। बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन में सिस्टम का टेम्परेचर गिर जाता है, सिस्टम का टेम्परेचर लो हो जाता है, फिर सिस्टम क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। सिस्टम क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, कहां से, सराउंडिंग से, सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और सिस्टम रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। सिस्टम किस पे आ जाएगा, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, मगर सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाता है। तो इसका मतलब है जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा। याद कर लो, एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर देखो बेटा, ये पहले इंट्रोडक्शन में यही है कि भाई कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो एक बांड टूटेगा, मतलब एक बांड टूटते हैं दूसरे बांड बनते हैं। सपोज करते हैं एक रिएक्शन लिख देते हैं, और वैसे भी हम बांड एनर्जी से पहले पढ़कर आए थे। अब देखो ये है H2 गैस है, ये आधा मोल हाइड्रोजन गैस का है, बेटा हाफ मोल हाइड्रोजन गैस का है, प्लस हाफ मोल Br2 का है, मिलकर बना रहे हैं HBr। अब देखो, जब H2 और Br2 आपस में मिलेंगे HBr बनेगा, तो इसके बांड टूटेंगे, हाइड्रोजन के बांड ब्रेक होंगे, Br2 के बांड भी ब्रेक होंगे, और HBr में बांड बनेंगे। तो अब इनकी बांड एनर्जी का हमें पता है, बेटा बांड एनर्जी की वैल्यू का हमें पता है कि इसकी जो बांड एनर्जी है 436 है। इसका हम हाफ कर देंगे, क्या करेंगे, इसका हम आधा मोल है, अगर पूरा मोल होता तो उसको ब्रेक करने के लिए 436 एनर्जी देनी पड़ती,
अब इसका आधा मोल है, आधा मोल के लिए कितनी हो जाएगी वैल्यू, 218 बेटा, 218 वैल्यू होगी इसकी, मतलब आधा मोल है हाइड्रोजन का, हमने ब्रेक किया इसको, अगर पूरे मोल को ब्रेक करते तो 436, और वो वैल्यू प्लस की होगी क्योंकि ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड है, ये ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड टूट रहा है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन में जो सिंगल बॉन्ड है इसको हम तोड़ रहे हैं, और Br2 का भी आधा मोल है इसको भी हम ब्रेक कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी है। बेटा Br2 की बॉन्ड जो एनर्जी है, हम पढ़ कर आए थे Br2 की बॉन्ड एनर्जी, तो आपको मैं बता देता हूं Br2 की जो बॉन्ड एनर्जी है 193 है, इसका भी हम हाफ करेंगे, बेटा 193 का भी आपको हाफ करना होगा, 193 को 2 से आप डिवाइड कर देंगे, 193 इसको डिवाइड कर दे आप 2 के साथ, ठीक है, एटीन हो जाएगा और 13 हो जाएगा, 13 का मतलब 96.5, बेटा 96.5, तो इसका मतलब है आधे मोल के लिए कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब होगी, 96.5, और ये एनर्जी अब्सॉर्ब होगी, और HBr का बॉन्ड बनेगा उसमें एनर्जी रिलीज होती है, बेटा HBr के अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है वो 366 किलो जूल है, इनमें एनर्जी रिलीज हुई है। हाँ, अब देखो एब्जॉर्ब कितनी हुई है, रिलीज कितनी हो, वहां से हमें पता चलेगा कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, अगर रिलीज ज्यादा हो गई है और एब्जॉर्ब कम हुई है, अब इनमें दोनों ऐड कर दो आप, 218 और इसके अंदर ऐड कर दो आप 96.5, तो बेटा ये 5 होगा और ये हो जाएगा 14, एक ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 11, एक ऊपर जाएगा, अच्छा तो 314.5, इनको सम करोगे आप लोग बेटा इसका जवाब कितना आ रहा है, इनको सम करने से जवाब आ रहा है 314 0.5 किलो जूल, इसका मतलब है एब्जॉर्ब इतनी हुई है, 314 एब्जॉर्ब हुई है और रिलीज कितनी हुई है, 366, और जो डेल्टा एच की वैल्यू आएगी वो इनका डिफरेंस होगा, बेटा जो डेल्टा एच की वैल्यू की चेंज इन एंथैल्पी वो क्या होगा, इनका डिफरेंस होगा। अब देखो डिफरेंस खुद निकाल दो, डिफरेंस में डेल्टा एच की वैल्यू किसमें आएगी, नेगेटिव में आएगी, बेटा डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव फिगर में होगी, जो भी आएगा जवाब नेगेटिव में आएगा। तो आप समझ जाओ कि जितने भी रिएक्शन होते हैं उनमें एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है, रिलीज भी होती है, जब बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बेटा ब्रेकिंग का बॉन्ड है, इज एंडोथर्मिक, और ये मेकिंग का बॉन्ड है, इज एक्सोथर्मिक, ठीक है बांड बनाए। हाँ, अब क्या होगा, अब ये होगा कि सिस्टम हीट रिलीज करेगा। देखो बेटा ये अगर रिएक्शन फ्लास्क के अंदर है, इसको हम सिस्टम बोलते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम, सिस्टम के अंदर अगर आप H2 और Br2 को रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, H2 और Br2 का रिएक्शन हो रहा है, तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, HBr बनेगा और एनर्जी को क्या करेगा, ये पहले सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर सिस्टम क्या करेगा, हीट को रिलीज करेगा,
इसको हम सिस्टम बोलते हैं। ये सिस्टम है, एक्सोथर्म रिएक्शन में सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ता है, उसके बाद सिस्टम हीट को रिलीज करता है और हीट किधर जाती है, सराउंडिंग में जाती है। ये बेटा सराउंडिंग है, सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। देखो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा इन एक्सोथर्म रिएक्शन। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इंक्रीजेस, ठीक है, बिकॉज सिस्टम रिलीज हीट टू सराउंडिंग, सिस्टम जो था वो हीट को रिलीज करता है। अच्छा, इन एंडोथर्म रिएक्शन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग डिक्रीजेस, बेटा सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है, बिकॉज सिस्टम एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग, क्योंकि जो सिस्टम है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसका मतलब है जितने भी रिएक्शंस होते हैं बेटा, जितने भी चेंजेस होती हैं, उनमें या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी। और जो एनर्जी का डिफरेंस होगा बेटा, जो डिफरेंस होगा इनका, ठीक है, वहां से हमें पता चलेगा कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। देखो रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी है, रिएक्टेंट के अपने अंदर एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। बॉन्ड की जो एनर्जी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो बॉन्ड्स हैं, उस एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, इसका मतलब है इसको आप हीट देंगे तो बॉन्ड टूटेगा, इसको आप हीट देंगे इसका बॉन्ड टूटेगा, उसके बाद बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड बनने की एनर्जी अलग है और बॉन्ड टूटने की एनर्जी डिफरेंट है। तो इसका मतलब है डेल्टा एच की वैल्यू या तो प्लस की होगी या माइनस की होगी। डेल्टा एच की वैल्यू जीरो कभी नहीं होगी बेटा, डेल्टा एच का जो डिफरेंस है वो जीरो कभी नहीं होगा। या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी। ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट की एंथैल्पी बराबर हो जाए, ऐसा नहीं होगा। या तो डेल्टा एच की वैल्यू प्लस होगी या माइनस होगी, इसका मतलब या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी, क्योंकि इनको बॉन्ड तोड़ने के लिए अलग हीट दे रहे हैं हम, उसकी वैल्यू अलग है। जो हीट रिलीज हो रही है वो अलग वैल्यू है, इनमें डिफरेंस होगा, ठीक है। अब देखो जो हीट रिलीज हो रही है वो ज्यादा हो रही है और जो एब्जॉर्ब हो रही है वो कम हो रही है, तो रिएक्शन लाजिम बात है एक्सोथर्मिक हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। हाँ, अगर रिलीज कम हुई है, रिलीज वैल्यू कम हुई है और एब्जॉर्ब ज्यादा है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। तो इसका मतलब रिएक्शन का एंडोथर्मिक होना या एक्सोथर्मिक होना डिपेंड करता है डेल्टा एच की वैल्यू पर या डिफरेंस पर। एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो डिफरेंस है वहां से पता चलेगा कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, ठीक है। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा सराउंडिंग से, ठीक है, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़कर रूम टेम्परेचर की तरफ आएगा, और सराउंडिंग जो होगा, जो सराउंडिंग होगा उसका टेम्परेचर गिर जाएगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब है एंडोथर्म रिएक्शन में सराउंडिंग का टेम्परेचर गिरता है, और एक्सोथर्मिक में क्या होता है, सिस्टम हीट रिलीज करता है। पहले सिस्टम की जो बोतल होगी वो हॉट हो जाएगी, मतलब ये जो रिएक्शन वेसल है वो हॉट होगी, गर्म होगी, सिस्टम का टेम्परेचर हाई होगा। उसके बाद सिस्टम क्या करेगा, इस बाउंड्री के जरिए, ये जो बाउंड्री है ना, के बीच में
उनके जरिए हीट को क्या करेगा, खारिज करेगा, हीट का ट्रांसफर होगा, हीट का क्या होगा, तबादला होगा, ट्रांसफर होगा, हीट की एक्सचेंज होगी, ठीक है बेटा, हीट की एक्सचेंज होगी सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान, तो सिस्टम क्या करेगा, सराउंडिंग तरफ हीट को खारिज कर देगा, और नतीजा क्या निकलेगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, और ये क्या है, थर्मोकेमिस्ट्री है। अच्छा देखो, यह है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बेटा, थर्मोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की ब्रांच है, अच्छा इनर्जी, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ, कैलकुलेशन ऑफ हीट रिलीज्ड आर एब्जॉर्ब, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, तो बेटा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद कैलकुलेशन और मेजरमेंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन के दौरान जो हीट रिलीज होती है, एब्जॉर्ब होती है, उसी का हम कैलकुलेशन करते हैं, उसी के मेजरमेंट करते हैं, किसके अंदर, थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर, थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर हम मेजरमेंट करते हैं जो हीट एब्जॉर्ब होती है, रिलीज होती है, किसके अंदर, रिएक्शन के दौरान। तो अभी देखो ये भी हमने कैलकुलेशन की है, जो हीट रिलीज हुई है रिएक्शन के दौरान, ठीक है, तो ये थर्मोकेमिस्ट्री है, और इसमें क्या होगा, केमिकल चेंज होगा, जहर रिएक्शन होगा तो केमिकल चेंज होगा, और केमिकल चेंज के दौरान हीट जो रिलीज होगी, एब्जॉर्ब होगी, इसके हम कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा अब आते हैं, अच्छा देखो बेटा एंडोथर्म रिएक्शन इस तरह देखो, ये रूम टेम्परेचर है, बेटा ये रूम का टेम्परेचर है, ठीक है। अब देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ इसके अंदर, क्या हुआ रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा हो रहा है इसके अंदर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ है, अच्छा फिर होगा क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, बेटा जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ता है, सिस्टम का टेम्परेचर राइज होता है, देखो ये सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ रहा है एक्सोथर्मिक में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा, राइज होगा, ये देखो टेम्परेचर सिस्टम का बढ़ रहा है, और फिर क्या होगा, आस्ता आस्ता सिस्टम का टेम्परेचर कम होने लगेगा, आस्ता आस्ता सिस्टम का टेम्परेचर कम होने लगेगा, क्यों, क्योंकि सिस्टम हीट को रिलीज करेगा, सिस्टम हीट को क्या करेगा, रिलीज करेगा किधर, सराउंडिंग की तरफ, इसलिए सिस्टम का टेम्परेचर आस्ता आस्ता कम हो जाता है। देखो अगर चाय गर्म है, थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे आ जाता है, ठंडी हो जाती है, क्यों, क्योंकि इसमें से हीट रिलीज हो जाती है, वो हीट को क्या कर देती है, रिलीज कर देती है सराउंडिंग की तरफ, तो इसमें भी ऐसा ही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो भी होगा तो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा, उसके बाद सिस्टम हीट को रिलीज करेगा और वापस रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, देखो वापस रूम टेम्परेचर पे आ गया, देखो ये वापस, तो पहले टेम्परेचर बढ़ा था उसका सिस्टम का, मगर वापस रूम टेम्परेचर पे आ गया वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, क्योंकि सिस्टम ने हीट को रिलीज कर दिया, अब वो हीट कहां गई, सराउंडिंग में चली गई, सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ेगा,
ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन इस तरह होता है बेटा, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ता है, सिस्टम का टेम्परेचर क्या होता है बढ़ता है, और बाद में वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, ठीक है, एंडोथर्म रिएक्शन में सिस्टम का टेम्परेचर कम होता है बेटा, एंडोथर्म रिएक्शन में सिस्टम का टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। ये सिस्टम है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में देखो, ये रूम टेम्परेचर है, ये बेटा रूम का टेम्परेचर है, और जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में सिस्टम का टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है, ऐसे ऐसे। और फिर क्या होगा, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा सराउंडिंग से, सिस्टम हीट को क्या करता है एब्जॉर्ब करता है सराउंडिंग से, और एब्जॉर्ब करने के बाद सिस्टम का टेम्परेचर राइज होता है और रूम टेम्परेचर के बराबर हो जाता है, रूम टेम्परेचर के बराबर हो जाता है देखो सिस्टम का टेम्परेचर। तो बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होता है उसमें सिस्टम का देखो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, ठीक है, और बाद में उसने हीट को एब्जॉर्ब किया सराउंडिंग से, एब्जर्व करके बाद करने के बाद रूम टेम्परेचर पे आ गया, तो इसका मतलब है फाइनली फाइनली क्या होगा, फाइनली सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाएगा क्योंकि सराउंडिंग से हीट ट्रांसफर हुई है सिस्टम की तरफ। तो बेटा यही है इसके अंदर, देखो अब आते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन। बेटा थर्मोकेमिकल रिएक्शन देखो, दोज केमिकल रिएक्शंस दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच एनर्जी चेंज जिनके अंदर एनर्जी क्या हो चेंज हो, those chemical reactions in which energy change along with material change, along with material change मतलब एनर्जी भी चेंज होगी मटेरियल भी चेंज होगा, जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जब भी कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो नया कंपाउंड बन जाएगा, नया सब्सटेंस बन जाएगा, साथ में हीट रिलीज हो जाएगी। अगर कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है तो सिस्टम हीट को क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा, सिस्टम हीट को क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा, नया कंपाउंड बनेगा, केमिकल चेंज होगी मगर एनर्जी चेंज होगी इसके अंदर। इनकी टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स, अब थर्मोकेमिकल रिएक्शन बेटा थर्मोकेमिकल रिएक्शंस की दो टाइप्स हैं, ठीक है, एक है एक्सोथर्मिक, अच्छा बेटा एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, देखो एक्सो का मतलब क्या है आउटसाइड, थर्मिक से मुराद होता है हीट,
मतलब हीट बाहर रिलीज होगी बेटा। एक्सो का मतलब है आउटसाइड, थर्मिक का मतलब होता है हीट, हीट बाहर रिलीज होगी। बाहर का मतलब सराउंडिंग की तरफ, सिस्टम हीट रिलीज करेगा सराउंडिंग की तरफ। और जो आपको मैंने बताया ये है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों? केमिकल चेंज हुई है और केमिकल चेंज के दौरान हीट रिलीज हुई तो पहले सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि वो रिएक्शन सिस्टम के अंदर हो रहा है ना। ठीक है, अब देखो चूना है, चूने के अंदर जब हम पानी डाल देते हैं तो जो बॉटल जिसके अंदर वो मिला रहे हैं ना, उस बॉटल का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। फिर वो बॉटल क्या करेगी, हीट को रिलीज करेगी किधर, सराउंडिंग की तरफ। ठीक है, इस तरह जितने भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं पहले सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ता है और फिर सिस्टम क्या करता है, हीट को रिलीज करता है सराउंडिंग की तरफ, सिस्टम वापस रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, मगर सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ जाएगा। तो दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। बेटा हीट रिलीज होगी सिस्टम से किधर जाएगी, सराउंडिंग की तरफ। अच्छा अब आते हैं एग्जाम्पल, कंबस्शन ऑफ कोल और हाइड्रोकार्बन्स। बेटा कोल की कंबस्शन या जो हाइड्रोकार्बन्स है मीथेन इथेन या फ्यूल की जो कंबस्शन होती है वो बेटा सभी एक्सोथर्मिक है, वो सभी एक्सोथर्मिक चेंजेस हैं हाइड्रोकार्बन की कंबस्शन। अब देखो कार्बन सॉलिड है प्लस ऑक्सीजन बन गया कार्बन डाइऑक्साइड और डेल्टा एच की वैल्यू इसकी नेगेटिव होगी। नेगेटिव का फिगर का मतलब ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बेटा। जब भी डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव तो समझो एक्सोथर्मिक है। और 393.7 इसकी जो वैल्यू है 393.7 सिंध की बुक में 394 लिखा हुआ है किलो जूल पर मोल, क्योंकि राउंड ऑफ करेंगे तो 394 हो जाता है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा मीथेन प्लस 2O2 एरो CO2 प्लस 2H2O डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी। बेटा डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी तकरीबन -890 तक वैल्यू है इसकी, -890 तक किलो जूल पर मोल की वैल्यू है कंबस्शन की। अच्छा इसका अलावा H2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया बेटा, H2O बन गया लिक्विड, ये भी नेगेटिव फिगर में है 285.58। सिंध की बुक में 286 लिखा हुआ है इसकी वैल्यू को। बेटा ये एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक चेंज है। देखो ये एक्सोथर्मिक है, इनमें क्या होता है हीट रिलीज होती है। अच्छा हैबर प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बेटा हैबर प्रोसेस में अमोनिया बनती है। देखो हैबर का जो प्रोसेस है उसमें बनती है अमोनिया। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस
ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है बेटा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल है। अमोनिया बन गई, इसकी डेल्टा के लिए भी नेगेटिव है। अमोनिया की जो फॉर्मेशन है वो भी नेगेटिव है, -41.6 किलोजूल हीट रिलीज होगी। अच्छा अब आते हैं इंडोथर्मिक। बेटा इंडो का मतलब होता है इनसाइड। देखो इंडो का मतलब है इनसाइड। इनसाइड से मुराद है हीट का ट्रांसफर होगा सिस्टम की तरफ सराउंडिंग से, तो इंडो का मतलब है इनसाइड। और थर्मिक से मुराद होता है हीट। इसका मतलब है हीट अंदर जाती है, हीट सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ जाती है। हीट का जो ट्रांसफर होता है वो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जाता है। इसका मतलब है इंडोथर्मिक रिएक्शन में सिस्टम का टेम्परेचर गिरता है पहले। बेटा इंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डिक्रीज, फिर क्या होगा? सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करता है सराउंडिंग से और फिर फाइनली सराउंडिंग का टेम्परेचर गिर जाता है, सिस्टम का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे आ जाता है। तो दूस केमिकल रिएक्शंस एनर्जी हीट इज एब्जॉर्ब। फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम हीट एब्जॉर्ब होती है फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, मतलब हीट का फ्लो होता है सिस्टम की तरफ। अच्छा हीट ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम ठीक है, तो इसका मतलब है हीट एब्जॉर्ब होती है या हीट की ट्रांसफर होती है सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ, सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करेगा और जब तक वो हीट एब्जॉर्ब नहीं होगी तब तक वो रिएक्शन नहीं होगा। एग्जांपल देखो कार्बन प्लस सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड बन गया, डेल्टा एच के लिए पॉजिटिव होती है। सिंध की बुक में 117 इसकी वैल्यू लिखी हुई है 0.6। इसकी बुक में शायद ये एग्जांपल नहीं गिवन है बेटा, ये सिंध की बुक में एग्जांपल गिवन है कि कार्बन और सल्फर जब मिल जाते हैं तो कार्बन डाइसल्फाइड बन जाता है और चेंज इंडोथर्मिक है। और इसके अलावा सिंध बुक में एक और भी है H2+I2 ये भी रिएक्शन रिवर्सिबल है, HI बन जाता है, इसमें भी डेल्टा एच के लिए पॉजिटिव है।
बेटा इसके अंदर भी डेल्टा के एल के वैल्यू पॉजिटिव है। अच्छा एक और बुक है, बुक में है एन टू गैस, नाइट्रोजन गैस जिसके अंदर ट्रिपल बांड है, नाइट्रोजन गैस बेटा जिसके अंदर बांड ट्रिपल बांड होता है। जारे ट्रिपल बांड को तोड़ने के लिए ज्यादा वैल्यू चाहिए, स्ट्रांग बांड होता है, और प्लस ऑक्सीजन जिनमें डबल बांड है, ठीक है, और इनसे बन जाता है 2NO। अच्छा उसका मतलब है बांड को तोड़ने में एनर्जी ज्यादा कंज्यूम हो जाती है, बांड को ब्रेक करने में एनर्जी ज्यादा कंज्यूम हो जाती है, और जब बांड बनेगा एनओ का तो इसमें एनर्जी इतनी ज्यादा रिलीज नहीं होती और डेल्टा इसके लिए क्या हो जाती है, पॉजिटिव। तो बेटा एन टू और ओ टू से 2NO बन रहा है, ये एंडोथर्मिक चेंज है। और इसके अलावा एक और रिएक्शन भी इसमें यहां दिया गया है, डिकम्पोजिशन। वाटर इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, समझिए रिएक्शन इनवर्स हो जाएगा। H2 है लिक्विड, जब इसको आप डिकम्पोज करेंगे तो एक मोल बनेगा हाइड्रोजन गैस का और हाफ मोल बनेगा ऑक्सीजन गैस का। इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव की है। जब वाटर को डिकम्पोज करेंगे आप लोग, वाटर को डिकम्पोज करेंगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी 285.59 किलो जूल पर मोल। तो ये समझे रिवर्स रिएक्शन है उसका। तो बेटा ये एंडोथर्मिक चेंजेस थी और एक्सोथर्मिक। अब आते हैं स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस चेंजेस रिएक्शंस। अच्छा बेटा स्पॉन्टेनियस का मतलब है जो रिएक्शन खुद बखुद हो जाए, जिसके लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत ना पड़े, अपने अपनी एनर्जी से हो जाए वो। मतलब ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो स्पॉन्टेनियस हो, खुद बखुद हो जाए, ठीक है, जिनके लिए किसी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत ही न पड़े, उनको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। और नॉन स्पॉन्टेनियस वो होते हैं जिनके लिए एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ती है, हेल्प की जरूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएंगे। बेटा देखो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है, न्यूट्रलाइजेशन, एसिड प्लस बेस बन जाता है साल्ट वाटर, ये स्पॉन्टेनियस खुद बखुद हो जाता है। एसिड और बेस को मिलाएंगे बेटा, एसिड और बेस को मिलाएंगे तो एकदम साल्ट वाटर बन जाता है, माइक्रो सेकंड के अंदर रिएक्शन हो जाता है। या सिल्वर नाइट्रेट और NaCl जब इनको मिलाते हैं तो AgCl और NaNO3 बन जाता है, ये भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। स्पॉन्टेनियस का मतलब इसको किसी असिस्टेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, हीट की जरूरत नहीं पड़ती है, एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा कंबस्शन रिएक्शन बेटा, जो कंबस्शन रिएक्शन है, कंबस्शन रिएक्शन इसका मतलब है कंबस्शन रिएक्शन को पहले तो स्टार्ट करने के लिए हीट की जरूरत पड़ती है, स्टार्ट करने के लिए। जिस तरह सपोज करते हैं कोयले को हम जला रहे हैं तो समझे स्पार्किंग होगी या माचिस की तीले वगैरह होगी जिसके जरिए इसको हम स्टार्ट कर देते रिएक्शन को, उसके बाद वो खुद ही हीट खारिज करेगा। या गैस है, नेचुरल गैस है, उसको भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए क्या होता है, हीट की जरूरत पड़ती है। इनिशियली इसको हीट की जरूरत पड़ती है, मगर बाद में किसी असिस्टेंस की जरूरत नहीं है। मगर वो जो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं उसको एकदम उनको मुसलसल हीट की, मतलब मुसलसल एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ती है। अगर एक्सटर्नल सोर्स बंद कर देंगे वो रिएक्शन खत्म हो जाएगा या चेंज खत्म हो जाएगी। वो जैसे पानी नीचे से ऊपर चढ़ाते हैं बेटा, पानी जो है नीचे से जो ऊपर चढ़ता है ना, जब लाइट चली जाती है तो पानी का जो चढ़ना रुक जाता है,
तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। देखो नीचे से जो ऊपर हम पानी चढ़ाते हैं तीसरी चौथी मंजिल तक, वो एक्सटर्नल हेल्प के जरिए होता है, एक्स्ट्रा सोर्स के जरिए होता है, मोटर के जरिए हो रहा है, बिजली के जरिए हो रहा है। मगर ऊपर से जो नीचे पानी आता है, टैंकी में पानी जो भरा हुआ नीचे जो बाथरूम के अंदर आ जाता है, टोंटी के अंदर जो पानी आ जाता है, वो खुद स्पॉन्टेनियस है। इसका मतलब है जो पानी फ्लो करता है हाई से लो की तरफ, बेटा हाई से लो की तरफ जो फ्लो करता है वो स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। मगर लो से हाई की तरफ जाएगा जो, वो क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। इस तरह कुछ जो इंडोथर्म रिएक्शन हैं वो भी स्पॉन्टेनियस खुद बखुद हो जाते हैं। देखो एवापोरेशन वाटर, आपको पता है एवापोरेशन वाटर हर हर टेम्परेचर पे होता है, लो टेम्परेचर होगा तब भी होगी, हाई टेम्परेचर होगा तो भी होगी। इसका मतलब है टैंकी के अंदर पानी पड़ा है वो स्पॉन्टेनियसली एवापोरेट हो रहा है, हाई एंडोथर्मिक, मगर प्रोसेस नेचुरल है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है ये। इसका मतलब है कुछ ऐसे रिएक्शन एंडोथर्मिक भी स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं। देखो एक्सोथर्म रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस है बेटा, जो एक्सोथर्म रिएक्शन है वो तो स्पॉन्टेनियस है, वो खुद ही रिलीज करते हैं, ठीक है। मगर कुछ एंडोथर्म रिएक्शन ऐसे भी हैं जो नेचुरल हैं, जो स्पॉन्टेनियस है, समझे। तो इवापोरेशन ऑफ वाटर, वाटर की इवापोरेशन हर टेम्परेचर पे होती है, ठीक है, तो ये स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। या आप कहते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को वैसे रख दे हम थोड़ी देर के बाद खुद ही मेल्ट हो जाती, तो ये भी स्पॉन्टेनियस हो जाता है, समझे। मतलब जो नेचुरल हो, स्पॉन्टेनियस से मुराद है जो नेचुरल प्रोसेस हो। तो मेल्टिंग ऑफ आइस नेचुरल प्रोसेस है, या एवापोरेशन ऑफ वाटर नेचुरल प्रोसेस है, तो बेटा ये स्पॉन्टेनियस कहलाएंगे। अमोनियम क्लोराइड, उसको पानी के अंदर डिजॉल्व करते हैं, तो जो इसका डिजॉल्व होना एंडोथर्मिक है मगर स्पॉन्टेनियस हो जाता है वो। अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो खुद बहुत पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाता है, स्पॉन्टेनियस तरीके से डिजॉल्व हो जाता है। तो कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होते हैं। अच्छा अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इरिवर्सिबल होगा, बेटा जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है वो क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। कैसे, आइस मेल्ट हो गई खुद बखुद, मगर पानी से वापस बर्फ बनाने के लिए हमें फ्रिज में रखना पड़ेगा। देखो आइस, जो आइस है वो मेल्ट स्पॉन्टेनियस तरीके से हो जाती है, खुद बखुद हो जाती है ना, मगर उसको रिवर्स करना है। अगर उस चेंज को रिवर्स करना चाहते हैं, उसी पानी से वापस बर्फ बनाना चाहते हैं, तो नॉन स्पॉन्टेनियस तरीके से करना पड़ेगा हमें, उसको फ्रिज के अंदर रखना पड़ेगा हमें। तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस तरीके से आइस पानी जो होगा आइस में तब्दील होगा। इसका मतलब भी पानी का आइस में तब्दील होना फ्रिज के अंदर, ये समझे नॉन स्पॉन्टेनियस है। अच्छा तरीका है वैसे, क्योंकि वैसे तो स्पॉन्टेनियस भी नहीं हो सकता। अच्छा इस तरह जो रिवर्सिबल, जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है बेटा, जो रिएक्शन इरिवर्सिबल है वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन, जैसे कंबशन है, ठीक है। तो ये इरिवर्सिबल जो चेंजेस होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है। अच्छा जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उनकी लिमिटेशन है, रिवर्सिबल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस भी हो सकते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकते हैं। बेटा जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस भी हो सकते हैं और नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बेटा कुछ इसकी डेफिनेशन बुक में थी, देखो देखो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होता है जो अपने खुद खुद, मतलब खुद बुद्ध हो जाए, अपने बुलबोते पर हो जाए, विदाउट एनी आउटसाइड असिस्टेंस। इसके लिए किसी आउटसाइड असिस्टेंस की, आउटसाइड हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एक स्टूडेंट जो है वो अपनी मेरिट पे हो जाता है, अपनी मेहनत पे हो जाता है, और एक स्टूडेंट ऐसा जो अपनी मेहनत पे तो नहीं हो रहा है मगर वो सेल्फ फाइनेंस पे हो रहा है, तो अपने मतलब वो मेहनत पे नहीं हुआ मगर पैसे के जोर से हुआ है, ठीक है। मतलब आउटसाइड असिस्टेंस ही हुआ है वो, तो वो समझे वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो
इसका मतलब है ऐसा प्रोसेस जो अपने ओन पे हो जाए, वो विदाउट एनी असिस्टेंस, मतलब जिसके लिए कोई बाहर के हेल्प की जरूरत ना पड़े, ठीक है, मूव फ्रॉम नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट टू इक्विलिब्रियम स्टेट। इसका मतलब है नॉन इक्विलिब्रियम से वो किसमें आ जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर आ जाएगा वो। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होता है नेचुरल होता है, जो अभी मैंने बताया, जैसे आइस का मेल्ट हो जाना, पानी का एवापोरेट हो जाना, तो बेटा ये नेचुरल प्रोसेस है। जिस तरह सपोज करते हैं समुद्र का गर्मियां ज्यादा होती हैं, समुद्र का पानी एवापोरेट हो जाता है, उसके बाद जो होता है वो बारिशें बरसती हैं, तो ये नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, ये नेचुरल चेंज है। तो ये क्या है, स्पॉन्टेनियस है बेटा, ये नेचुरल चेंज क्या है, ये समझे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ठीक है। इट इज यूनिट डायरेक्शनल, ये क्या होगा, यूनिट डायरेक्शनल का मतलब एक ही डायरेक्शन में होगा, ये इरिवर्सिबल होगा, ये क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा, और रियल प्रोसेस है। अच्छा, जैसे वाटर फ्लो करता है फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, हायर लेवल से लोअर लेवल में जो वाटर फ्लो करता है ये स्पॉन्टेनियस है। अब देखो पानी ऊपर, जो मैंने आपको बताया टैंकी के अंदर पानी है, जब वो नीचे आता है तो वो स्पॉन्टेनियस हो जाता है, स्पॉन्टेनियस तरीके से नीचे आता है, इसलिए किसी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती, किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती, किसी मोटर की जरूरत नहीं पड़ती, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती है उसके लिए, उसको नीचे लाने के लिए। मगर जब नीचे से ऊपर लेकर जाते हैं तो उसके लिए आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हाँ, इसके अलावा और कौन से हैं, न्यूट्रलाइज रिएक्शन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन इज स्पॉन्टेनियस बेटा, जो न्यूट्रलाइज रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है। देखो एसिड प्लस बेस, ये बेटा एसिड है और ये क्या है, बेस है, बन गया साल्ट और वाटर, या देखो AgNO3 है प्लस NaCl है, ठीक है, AgNO3 को NaCl के अंदर ऐड करोगे ना, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है, रिएक्शन बिटवीन आयनिक कंपाउंड, बेटा रिएक्शन किसके दरमियान है, आयनिक कंपाउंड। तो AgNO3 को जैसे NaCl में मिलाएंगे एकदम व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाती है, फौरन बनेगी, माइक्रो सेकंड के अंदर ये रिएक्शन हो जाएगा स्पॉन्टेनियस तरीके से। AgCl बनेगा सॉलिड और NaNO3 बन जाएगा, ठीक है। कंबस्शन रिएक्शन, ये स्पॉन्टेनियस होंगे, हालांकि कंबस्शन रिएक्शन के लिए स्टार्टिंग के लिए कुछ आपको देनी पड़ती है हीट, उसके बाद वो खुद ही हीट खर्च करते रहेंगे, तो स्पॉन्टेनियस होंगे। C प्लस O2 एरो CO2 और डेल्टा इसके लिए नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक है ये, रिएक्शन कौन सा है बेटा, ये एक्सोथर्मिक, मीथेन प्लस ऑक्सीजन CO2 प्लस 2H2, डेल्टा इसके लिए नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक हो गया। हाँ, इन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन
ठीक है, फ्री एनर्जी डिक्रीज। बेटा जो फ्री एनर्जी है वो डिक्रीज होती है, जिसको हम शो करते हैं डेल्टा जी से, चेंज इन फ्री एनर्जी, ये नेगेटिव की फिगर होगी, गिव्स फ्री एनर्जी। बेटा जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, मतलब गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होगी, फ्री एनर्जी डिक्रीज होगी। फ्री एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के अंदर। ठीक है, और आपको बता दूं जो डेल्टा जी है फ्री एनर्जी, ये बराबर होता है डेल्टा एच, बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बेटा ये फ्री एनर्जी है और ये है चेंज इन एंथैल्पी। और ये चेंज इन एंट्रोपी, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होता है, मैं आपको बता दूं, ये एक्चुअली सिलेबस के अंदर तो नहीं, मैं आपको बता देता हूं, जो डेल्टा जी है ये नेगेटिव हो, ये क्या हो? नेगेटिव हो, फ्री एनर्जी नेगेटिव हो, फ्री एनर्जी क्या हो? डिक्रीज हो, और डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो, मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो, माइनस टी डेल्टा एस, टी डेल्टा एस और डेल्टा एस के लिए पॉजिटिव हो, तब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। देखो क्यों, इसको क्यों पॉजिटिव कहते हैं? क्योंकि ये पॉजिटिव की फिगर है, इधर देखो बेटा ये पॉजिटिव फिगर है, इस पॉजिटिव फिगर को इस नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा इसका जवाब, ये नेगेटिव का है तो ये जवाब तो नेगेटिव का ही आएगा, मतलब इसके अंदर जो मेन है वो फ्री एनर्जी है। अगर आपको फ्री एनर्जी उन्होंने दे दिया, बेटा अगर आपको फ्री एनर्जी की वैल्यू दे दी हमने, सपोज करते हैं ठीक है नेगेटिव है, तो समझो प्रोसेस नॉन स्पॉन्ट प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। अगर फ्री एनर्जी डिक्रीज हो रही है, अगर फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, तो समझे प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी का नेगेटिव होना जरूरी है, ठीक है। और उसके साथ साथ डेल्टा जी डिपेंड किस पे करता है? डेल्टा एच पे और टी डेल्टा एस। डेल्टा एस का मतलब है चेंज इन एंट्रोपी, तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव का होगा तो इस नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करके नेगेटिव हो जाएगा फाइनली, और ये नेगेटिव है तो इन दोनों का सम भी नेगेटिव हो जाएगा। बेटा इस डेल्टा जी का सम नेगेटिव होना चाहिए, कैसे नेगेटिव हो सकता है? ठीक है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव की है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर किसका आता है? मैथमेटिक्स के हिसाब से नेगेटिव आएगा, और ये भी नेगेटिव आए तो इन दोनों का जो सम होगा वो तो नेगेटिव आएगा, तो डेल्टा जी के लिए नेगेटिव आएगी। ठीक है, किसके लिए? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। बेटा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए तो डेल्टा एस पॉजिटिव का हो, डेल्टा एच नेगेटिव का हो, डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव का हो। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है, सुन लो मेरी बात, ठीक है, अगर डेल्टा एच का जवाब प्लस का है, जिसे आपको मैंने पहला बताया था
कि कुछ जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं वो भी स्पॉन्टेनियस होते हैं, डेल्टा एच का जवाब प्लस का है, मगर फिर डेल्टा एच का वैल्यू वैल्यू इतनी पॉजिटिव की हो बेटा, डेल्टा एस की वैल्यू एंट्रोपी चेंज इतनी पॉजिटिव की हो, प्लस और माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो इसका जवाब अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव का है, सुन लो बेटा, इसका जवाब अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव का है, क्योंकि ये पॉजिटिव की वैल्यू पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर दे नेगेटिव, अगर ये पूरा जो फिगर है ये इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव की है और इसकी वैल्यू थोड़ी पॉजिटिव की है तो भी जवाब डेल्टा जी का नेगेटिव आ जाएगा ओवरऑल। इसलिए तो देखो एवापोरेशन बेटा, जो एवापोरेशन है, एवापोरेशन में एंट्रोपी बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है बेटा, एवापोरेशन में एंट्रोपी चेंज होती है, डिग्री ऑफ डिसहार्मनेस बढ़ती है और एवापोरेशन में डेल्टा एच की जो डेल्टा एच की वैल्यू वो बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी, ठीक है। तो इसका जो फिगर होगा एंट्रोपी की वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव की होगी, इस पॉजिटिव फिगर को इस नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब नेगेटिव का हो जाएगा। अगर इसका जवाब थोड़ा भी पॉजिटिव का है फिर भी इसका जवाब नेगेटिव का आ जाएगा, इसका नेगेटिव का होना जरूरी है बेटा, इसका नेगेटिव का होना जरूरी है, मगर इस कंसेप्ट की इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि इतना इसमें इसमें ये बोला कि आउट ऑफ स्कोप है, ये इतना आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं इसके अंदर। हाँ अब आते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। तो बेटा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो हो जिनके लिए आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़े, जिसके लिए आउटसाइड की हेल्प की जरूरत हो, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होते हैं जिसके लिए आपको आउटसाइड हेल्प की जरूरत पड़ जाए, आउटसाइड हेल्प के बगैर वो रिएक्शन ना हो, उनको हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। तो अब देखो एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी देनी पड़े और ये अपने मतलब खुद ब खुद नहीं होंगे, ये नेचर के अंदर नहीं होते हैं, ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ठीक है, नेचुरल प्रोसेस नहीं है। जिस तरह नीचे से ऊपर वाला पानी चढ़ाना नेचुरल नहीं है, मोटर के जरिए चढ़ जाता है, ठीक है। हीट की ट्रांसफर फ्रॉम कोल्ड रिजर्वर टू हॉट रिजर्वर ये भी नेचुरल नहीं है, ठीक है। तो ये अपने जो है अपने मतलब मदद से नहीं होंगे, ये एक्सटर्नल सोर्स से होंगे, ये रिएक्शन नेचुरल नहीं है ये। तो रिवर्सिबल जो रिएक्शन है बेटा, जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो लिमिटिंग केस है, मतलब लिमिटिंग का मतलब उसके अंदर स्पॉन्टेनियस भी है नॉन स्पॉन्टेनियस भी है, जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो लिमिटिंग केस है, उसमें स्पॉन्टेनियस भी है और नॉन स्पॉन्टेनियस भी होते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद है पंपिंग ऑफ वाटर, वाटर को पंप करना ऊपर, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। या ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड इंटीरियर अ पार्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर टू द हार्ट सराउंडिंग, या उसके बाद ठीक है इनटू अच्छा इनटू प्लस ओ टू एरो टू एन ओ बेटा इनटू प्लस ओ टू एरो टू एनो, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है बेटा, ये क्या है नॉन स्पॉन्टेनियस है, खुद बुद्ध नहीं होगा ये। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे कौन से रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कौन से नॉन स्पॉन्टेनियस है। मगर कुछ इंडोथर्मिक चेंजेस जो है, अच्छा डेल्टा जी की वैल्यू डेल्टा जी के लिए पॉजिटिव होगी, फ्री एनर्जी इंक्रीज, बेटा फ्री एनर्जी क्या होगी इंक्रीज होगी, और फिर क्या होगा इसके अंदर डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये बेटा फार्मूला है फ्री एनर्जी का, ये बुक में नहीं है मैं क्या आपको बता रहा हूं। अच्छा ये पॉजिटिव फिगर में होगी, डेल्टा जी के लिए पॉजिटिव होगी नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए, और ये पॉजिटिव तब हो सकते हैं ये पॉजिटिव हो,
डेल्टा इसके लिए पास टू एंडोथर्मिक चेंज हो, चेंज इंडोथर्मिक हो, और जो टी डेल्टा एस है डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव फिगर में हो। अब अगर ये नेगेटिव फिगर में होगी, सुन लो बात बेटा, ये नेगेटिव फिगर में तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा रिएक्शन। मगर कुछ इंडोथर्मिक चेंजेस आपको मैंने पहले बता दिया, कुछ इंडोथर्मिक चेंजेस है मगर स्पॉन्टेनियस है, तो एवापोरेशन ऑफ वाटर, वाटर का एवापोरेट होना, ये लिक्विड वाटर उसका एवापोरेट होना, ये एंडोथर्मिक है मगर है स्पॉन्टेनियस, ठीक है, नेचुरल प्रोसेस है, जो एवापोरेशन का प्रोसेस है नेचुरल है। या अमोनियम क्लोराइड का वाटर के अंदर डिजॉल्व होना, अमोनियम क्लोराइड का बेटा अमोनियम क्लोराइड है, इसको वाटर के अंदर हम डिजॉल्व करते हैं तो एक्वियस सॉल्यूशन बन जाता है, अमोनियम आयन और क्लोराइड अलग हो जाते हैं, तो ये भी चेंज तो एंडोथर्मिक है मगर ये है स्पॉन्टेनियस, खुद खुद डिजॉल्व हो जाता है। और फिर बाकी इवनिंग की क्लास में कर लेंगे अब।